मंदसौर न्यूज एक्सप्रेस ग्रामीण अंचल का लोकप्रिय चैनल। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शामगढ़ से। जी हां, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सर्वोत्तम विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षा ओपन बुक या ऑनलाइन पद्धति से संपन्न करवाने हेतु एनएसयूआई द्वारा गांधी चौक स्थित नारेबाजी कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस भी झुमाझुपटी करती हुई नजर आई। इस दौरान एनएसयूआई के संभाग समन्वयक स्तरीय ऋतिक पटेल, एनएसयूआई के कार्यकारी अध्यक्ष अजय सिंह, बबलूमेव गोरा पठान, बंटी विश्वकर्मा, मंथन धनोतिया, सुमित पटेल, कान्हा मीणा, संजू सिंह देवरी, शंकर सिंह लालपुरा, आदिल, अजय कोरिया, गोपाल मेहर, जीतू बैरागी, डूंगर सिंह एवं अन्य एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से एनएसयूआई के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे, वहीं किस प्रकार पुलिस उनसे पुतला दहन करने से रोकने की पूरी कोशिश करती रही। लेकिन फिलहाल में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला आखिरकार दहन करने में एनएसयूआई सफल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मंदसौर न्यूज़।